एक तरफ पेट की आग, दूसरे तरफ किराए का आशियाना। कोरोना संक्रमण के खतरे से उत्पन्न वैश्विक आर्थिक खतरे से सबसे ज़्यादा प्रभावित भारत के मजदूर ही हैं, जो आज अपने परिवार बच्चों समेत सड़क पे निकल के घर को जाने को तैयार हैं। वर्षों की कमाई, मेहनत और बिताई जिंदगी पे अब जैसे पानी फिरता हुआ नज़र आ रहा है। वैसे क्रम में जो भी दिहाड़ी मजदूर बिहार में लौट रहे हैं, बिहार के लिए एक नई समस्या का खड़ा होना स्वाभाविक है। जैसे आप माने तो भारत के की आत्मा गांव में बसती है और उस गांव की धड़कन गांव के लोग ही हैं, लेकिन अगर बिहार की बात करें तो बिहार के आर्थिक बुनियाद कृषि पे ही टिकी है। वैसे में अगर कृषि क्षेत्र जो हम देखते हैं वो ग्रामीण क्षेत्र हैं, वैसे बाहर से लौटने वाले लोग अपने गांव घरों में आ रहे हैं। अब बिहार की धड़कन कहे जाने वाली ग्रामीण गांव, जहां पे बिहार की आत्मा बसती है, वहां भी कोरोना संक्रमण फैलने लगा है। महामारी के चलते अब गांव भी पूरी तरह प्रभावित हो चुके हैं। बिहार में पिछले 2 दिनों से 146 से ज़्यादा आंकड़े बढ़े हैं। बिहार में अब 1363 से भी ज़्यादा कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हो गई है, जो ग्रामीण क्षेत्रों को भी अपने चपेटे में ले रही है। ऐसी आपदा जो शहरों में ज़्यादा देखने को मिलती थी, अब इसका असर बिहार के गांवों में पसरता जा रहा है। इस क्रम में आप देखेंगे कि छोटे ग्रामीण स्तर के गांवों में भी कोरोना संक्रमित मरीज पाए जा रहे हैं। वहीं अब धनी इलाकों के अलावा झुग्गी झोपड़ियों में भी रहने वाले लोगों में यह संक्रमण तेज़ी से फैल रहा है। ऐसे में जिसकी अर्थव्यवस्था कृषि और गांवों पे टिकी हुई है, उस राज्य का क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल सरकार की मजबूरियों को देखते हुए ऐसा कहना बिल्कुल संभव नहीं है कि सरकार ने प्रयास नहीं किए। लेकिन जहाँ तक बिहार के विपक्ष का सवाल है, जो 20-20 गाड़ियाँ भेज रहे थे, आज कहीं दिखाई नहीं दे रहा है कि क्वारंटाइन सेंटर में व्यवस्था कैसा है उसकी समीक्षा भी की जाए, अथवा अनुपलब्ध लोगों के सामने कुछ रखा जाए या कुछ उनके परिस्थिति को कंट्रोल करने के लिए सहायता राशि भी उपलब्ध कराई जाए।